कैबिनेट मंत्री बनने तो बाद राणा गुरजीत सिंह अपने पहले दौरे ते फगवाड़ा पहुंचे। सीनियर कांग्रेसी आगू हरजीत सिंह परमार दे गृह पहुंचन ते राणा गुरजीत सिंह दा हरजीत सिंह परमार साबका कैबिनेट मंत्री अते पंजाब एग्रो दे चेयरमैन जोगिंदर सिंह मान अते दलजीत राजू समेत वड्डी गिणती विच कांग्रेसी आगूआं ते वर्करां ने निघा स्वागत किया। इस मौके राणा गुरजीत सिंह ने कहा कि हरजीत सिंह परमार कांग्रेस के सीनियर आगू हैं ते उन्हां तों वड्डे हैं, जिस करके इत्थे आउणा उन्हां दा फर्ज बनता सी। इस दे नाल ही उन्हां अपने शानदार स्वागत लई समूह कांग्रेसी वर्करां दा धन्नवाद करदिआं पार्टी की मजबूती वास्ते काम करन लई प्रेरिया, तां जो पार्टी आने वाली विधानसभा दीआं चोणां च जित हासिल कर सके। कांग्रेस च चल रही उथल पुथल संबंधी पुछे गए सवाल ते उन्हां कहा कि कांग्रेस वल्लों दलित चेहरे चरणजीत सिंह चन्नी नूं मुख्यमंत्री बनाया गया है, जिस नूं लोकां वल्लों भरमा हुंगारा दिता जा रहा है ते कांग्रेस दे पक्ष विच लहर चल रही है। इस दे चलदिआं ही 2022 दीआं विधानसभा चोणां विच वी कांग्रेस पार्टी जित हासिल करेगी। फगवाड़े दे समूह कांग्रेसियों का ते लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहना। मैं इन्हों का पुत्र हैं, परमार साहब मेरे बहुत वड्डे ने, जिन्हों का मैं सत्कार करदा कि इत्थे आना मेरा बनता सी। एक और संतां दे गुरद्वारे जिथे उन्होंने स्थान है उन्होंने बाबा रणजीत सिंह जी का, उत्थे मैं मत्था टेकन जाना। तो उस हरजी नौजवान है, यूथ लीडर है, इन्हें बहुत भरमा उत्थे साडा स्वागत किया, इहदा भी धन्यवाद करना चाहना। इन्नी गल कहनी चाहना कि वेखो कांग्रेस तकड़ी करनी है, असीं 22 कांग्रेस लैके आउणी वापस। ये साडा हर बंदे दा फर्ज बनता कि कांग्रेस नूं तकड़े करिए। तो जे निराशा किसी किस्म की है तो अज सरकार ने मंत्री बनाया 18वां मुख्यमंत्री हुंदे आ, ते 17 मंत्रियों जो एक तुहाडा बच्चा तुहाडा पुत्र बनाना आ, उहदा की फर्ज बनता कि लोकां च विचरे और जिहड़े काम कोई किसी का नहीं होया उहदा कर। देखो जी सानूं एजुकेशन, टैक्नीकल एजुकेशन, चनी साहब इसके वजीर रहे ने, उन्होंने बड़े काम किए, बड़ी बड़ी नवी गल्लां कीतियां जी सर, उन्होंने अगे वधाउंदे होए उन्होंने इंप्रोवाइज करके जो भी कर सके करांगे। पर मैं चाहांगा जिन्हां साडियां ITIs आ इन्हां दे जिहड़े चेयरमैन लगते आ वह एक उद्योगपति होवे, जिहड़ा जिहदी कंपनी प्रॉफिट च होवे, कारपोरेट रिस्पोंसिबिलिटी चो उस इंस्टीट्यूशन खर्चन नूं तैयार होवे, उहनूं चेयरमैन लाइए, ता कि एक तो इंडस्ट्रियल सोच और जिस एजुकेशन की या जिस शॉर्ट कोर्स की लोड़ है वो शॉर्ट कोर्स इन्हें ITIs कराया जाए। फैक्ट्री वाले बंदे नहीं लभदे ते लोगों नूं नौकरी नहीं लभदी, सो वी हैव टू फाइंड सच कोर्सेज जिन्हां दी डिमांड है मार्केट ड्रिवन। कांग्रेस दे माइक थल्ले करो पंडित जी थोड़ा, हुण एक लहर चल रही है, लहर इस करके मैं कह रहा कि अगर तुसीं वेखो तो चरणजीत सिंह जी चन्नी शडूल कास्ट बरादरी नाल संबंध रखते आ, तो शडूल कास्ट का मुख्यमंत्री बनना लोग तो गल्लां करदे आ साडी सरकार आएगी फिर असीं बनावांगे मुख्यमंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री तो किसी ने प्रोमिस नहीं किया, ना केजरीवाल साहब ने ना सुखबीर बादल ने, तो साडे वाले ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाता चरणजीत सिंह चन्नी नूं। सो ये बड़ा वेलकम है, लोगों को बड़ा स्वागत है और सारे नालों वड्डी गल है कि ही मीनस बिजनेस, वो सादा जे लैंग्वेज बोलते हैं तो सादगी दे नाल अपना जीवन बतीत करते हैं और लोगों नूं पसंद आ रहा। सारे सारी पार्टियां बिजली 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 दे मगर है, क्या होर भी लोगों नूं कुछ देणगे कि सिर्फ बिजली माफ होगी सर? देखो जी वोट लैण दे लई सारे लुभावने वादे सर, गल गल वोट दी लैण दी और ना लैण दी नहीं आ। जे अज लोग महसूस करते हैं कि उन्होंने बिजली का जिहड़ा बिल है पिंच करता, तो हर वर्ग बारे जरूर सोचना चाहिए।